पैरामेट्रिक फॉर्म ऑफ ए सर्कल। पैरामेट्रिक फॉर्म ऑफ ए सर्कल ये कहता है कि अगर किसी सर्कल का सेंटर मान लीजिए 0,0 है और सर्कल का रेडियस ए के बराबर है, तो उस सर्कल पर आप कोई भी जनरल पॉइंट इमेजिन कर सकते हैं, ए कॉस थीटा कॉमा ए साइन थीटा। ऐसा क्यों? क्योंकि अगर आप कोऑर्डिनेट निकालेंगे इस पॉइंट का, पॉइंट पी का कोऑर्डिनेट अगर आप निकालेंगे, तो इसका एक्स कोऑर्डिनेट ए कॉस थीटा आएगा और वाई कोऑर्डिनेट ए साइन थीटा आएगा। नाउ व्हाट इज थीटा हियर? थीटा हमने एक जनरल पैरामीटर कंसिडर किया है, हमने थीटा को कुछ भी एक पैरामीटर मान लिया है। अगर आप थीटा को बढ़ाते जाएंगे, मान लीजिए आपने थीटा को इंक्रीज करा, तो आपका पी पॉइंट आगे जाता चला जाएगा। अगर आपने थीटा को ऑब्ट्यूज कर दिया तो आप यहाँ पे पहुँच जाओगे, और ज़्यादा किया तो आप यहाँ पे पहुँच जाएंगे। मतलब फॉर डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज ऑफ थीटा यू विल गेट डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज ऑफ ए कॉस थीटा कॉमा ए साइन थीटा। तो थीटा के करस्पॉन्डिंग आपको एक सर्कल पर पॉइंट मिलता चला जाएगा। मान लो आपने थीटा का वैल्यू 90 रखा तो आपको ये वाला पॉइंट मिल जाएगा, आपने 180 रखा तो आपको ये वाला पॉइंट मिल जाएगा, आपने अगर 270 या -90 डिग्री रखा तो आपको ये वाला पॉइंट मिल जाएगा। गेटिंग इट? तो कोई भी जनरल पॉइंट ऑन द सर्कल कैन बी अज्यूम्ड एज x माइनस एक्स वन अपॉन कॉस थीटा इज इक्वल टू y माइनस वाई वन अपॉन साइन थीटा इज इक्वल टू ए। कोई भी जनरल पॉइंट को आप क्या अज्यूम कर सकते हो सर्कल पर? अगर आप यहां से x कोऑर्डिनेट निकालेंगे कोई भी जनरल, तो आ जाएगा a cos theta प्लस एक्स वन, और y कोऑर्डिनेट आ जाएगा a sin theta प्लस y1। समझ में आ रहा है? ये यहां से और यहां से मैंने डिराइव करके लिखा है, आप आराम से देख के समझ पाएंगे। अगर अगर आपका सेंटर 0,0 पर है तो ये x1 कॉमा वाई वन 0,0 हो जाएगा, तो जनरल पॉइंट आपका हो जाएगा a cos theta कॉमा a sin theta। ये सिर्फ सस्ती वाली इक्वेशन में होगा, है ना, महंगी वाली इक्वेशन में आपको पैरामेट्रिक ऐसे लिखना पड़ेगा। हालांकि मोस्ट ऑफ द टाइम्स आपको क्वेश्चन सस्ती वाली इक्वेशन में ही आएगा। चलिए, डिफरेंट वैल्यूज ऑफ थीटा के लिए आपको डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट्स मिलेंगे सर्कल पर। अगर आपको इस सर्कल पर, देखिए इसको ध्यान से, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, इस सर्कल पर आपको कोई भी जनरल पॉइंट अगर रिज्यूम करना है तो आप उसको ए कॉस थीटा कॉमा ए साइन थीटा मान लिया करेंगे। अच्छा, अब आते हैं अपन टेंजेंट ऑफ ए सर्कल या टेंजेंट टू अ सर्कल। ठीक है, मान लीजिए अपने को कोई लाइन दी हुई है वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, और बोला गया है कि ये लाइन इस सर्कल पर टेंजेंट बनी हुई है, तो आप क्या कंडीशन लगाएंगे? अगर ये लाइन सर्कल पर टेंजेंट है तो आप कंडीशन ऑफ टेंजेंसी लगाएंगे। कंडीशन ऑफ टेंजेंसी क्या कहता है? कि सेंटर का टेंजेंट से जो डिस्टेंस आएगा वो रेडियस के बराबर आएगा। तो सेंटर क्या है? एक पॉइंट है, और टेंजेंट क्या है? एक लाइन है। सेंटर और टेंजेंट के बीच में जो डिस्टेंस आ रहा है वो अपन इक्वेशन से लिख सकते हैं। अपने पास एक फॉर्मूला हुआ करता था, सेंटर क्या है? माइनस जी कॉमा माइनस एफ। उसको अपन ने लाइन पे रख दिया इस तरह से, डिवाइडेड बाय कोफिशियंट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस कोफिशियंट ऑफ वाई स्क्वायर का अंडर रूट। ये चीज जो होगा वो रेडियस के बराबर होनी चाहिए, तभी तो ये टेंजेंट को, तभी तो ये कंडीशन ऑफ टेंजेंसी को फुलफिल करेगा। समझ में आ रही है? आपको कोई भी फॉर्मूला रटने की जरूरत नहीं है बच्चों, आप सिर्फ कंडीशन ऑफ टेंजेंसी लगाइए जब जब आपको टेंजेंट दिखाई दे तब तब। क्लियर है? तो अगर ये क्वेश्चन अपन देखेंगे, फाइंड द वैल्यू ऑफ एम फॉर मंकी द लाइन फॉर विच फॉर वैल्यू ऑफ द लाइन द फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एम है ना, पार्डन मी, द लाइन दिस इज अ टेंजेंट टू द सर्कल। मतलब ये जो लाइन अपने पास 3x plus my minus 5, ये इस सर्कल पर टेंजेंट का काम कर रही है m की किस वैल्यू के लिए। आपको कुछ भी नहीं करना है, आपको ये सर्कल जो है इसका सेंटर लिखना है। सबसे पहले देखिए इसका सेंटर कितने आराम से लिखेंगे अपन। x का कोफिशियंट -4, हाफ करें -2, नेगेटिव से मल्टीप्लाई करें 2। y का कोफिशियंट 6, 6 का हाफ करें 3, नेगेटिव से मल्टीप्लाई करें -3, खत्म। ये आ गया सेंटर। रेडियस अगर आपको निकालना है तो क्या आ जाएगा? रेडियस जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। तो जी स्क्वायर 4 प्लस एफ स्क्वायर माइनस माइनस 3, आई बिलीव दिस इज कमिंग आउट टू बी 4। रेडियस 4 आ जाएगा। तो आप क्या करें, ये पॉइंट जो है सेंटर, इसका इस लाइन से जो डिस्टेंस लिखोगे आप वो ऐसे लिखोगे, है ना, पॉइंट को लाइन पे रख दो, डिवाइडेड बाय कोफिशियंट ऑफ एक्स का स्क्वायर प्लस कोफिशियंट ऑफ वाई का स्क्वायर का अंडर रूट। ये डिस्टेंस 4 के बराबर होना चाहिए। जब मॉड खुलेगा तो यहाँ पे प्लस माइनस बटेगा, प्लस माइनस से आप सॉल्व करने की कोशिश करो, लेकिन आप यहाँ पे अंडर रूट को हटाने के लिए स्क्वेयरिंग करोगे। जैसे ही आप स्क्वेयरिंग करोगे वैसे ही आपको एक क्वाड्रेटिक मिलेगी। अनफॉर्चुनेटली इस क्वाड्रेटिक का डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव आ जाएगा, तो m का वैल्यू 5 आ जाएगा। डिस्क्रिमिनेंट अगर नेगेटिव नहीं आता तो आपका m का वैल्यू कुछ ना कुछ आता, वैसे आप m का वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, तो तीन बातें बनती है अगर अपने पास कोई भी सर्कल है और कोई भी लाइन है। अगर वो लाइन उस सर्कल से दूर है, ना तो टच कर रही है ना तो कट कर रही है, तो आप क्या बोल सकते हैं? सेंटर से लाइन का जो डिस्टेंस होगा ये वाला d, दिस मस्ट बी डेफिनेटली ग्रेटर देन द रेडियस, है ना, नाइदर इट इज नाइदर टेंजेंट नॉट सीकेंट। अगर वो टेंजेंट है तो d का वैल्यू r के बराबर हो जाएगा। अगर वो टेंजेंट नहीं है और सीकेंट है,
मान लीजिए कि ये इस तरह से कट कर रही है, तो ये वाला जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है सेंटर का और टेंजेंट का, ये वाला डिस्टेंस अभी डेफिनेटली रेडियस से छोटा होगा। तो आप ये तीनों कंडीशन लगा सकते हो तीनों रिस्पेक्टिव केसेस में। अगर टेंजेंट है तो डी इक्वल्स टू आर, सीकेंट है तो डी लेस देन आर, नाइदर देन डी ग्रेटर देन आर। ऐसे बहुत सारे इनइक्वालिटी बेस्ड क्वेश्चन आपको मिलते रहेंगे। पॉइंट फॉर्म ऑफ टेंजेंट देखते हैं अपन, मैं आपको शॉर्ट में बताऊंगा, नोट्स आपके पास लिखे हुए, बस मेरी बातें सुने आप। अगर अपने को सर्कल पर रखा हुआ कोई भी पॉइंट पता है x1 y1, सर्कल पर रखा हुआ कोई भी पॉइंट है x1 y1, अगर आपको उस पर टेंजेंट लिखना है तो उसका ट्रिक होता है t equals to 0। t equals to 0 मतलब क्या होता है कि सर्कल की इक्वेशन में x स्क्वायर की जगह आप x x1 रख दीजिए, y स्क्वायर की जगह आप यहाँ पे y y1 रख दीजिए, x की जगह x plus x1 by 2, y की जगह y plus y1 by 2, और ये सारे रिप्लेसमेंट करने के बाद आपके सामने साक्षात टेंजेंट की इक्वेशन आ जाएगी। अगर सस्ती इक्वेशन है तो ये आएगी टेंजेंट की इक्वेशन, सर्कल की महंगी इक्वेशन है तो टेंजेंट की इक्वेशन ये आएगी। आपको रिप्लेसमेंट लिखे हुए, आप आराम से इत्मीनान से देख सकते हैं पॉज करके। अगर आपको पैरामेट्रिक पॉइंट से टेंजेंट टी इक्वल्स टू जीरो लिखना है तो आप कुछ नहीं करें, आप एक्स स्क्वायर की जगह फिर से एक्स एक्स वन, एक्स वन की जगह यहाँ पर क्या आ गया बच्चों, ए कॉस थीटा, और वाई वन की जगह क्या आ गया, ए साइन थीटा। समझ में आ रहा है, पैरामेट्रिक का भी कई बार इस्तेमाल आता है। अब ये तो हो गया कि पॉइंट अगर सर्कल पर ही लाई कर रहा है तो व्हाट इफ द पॉइंट इज लाइंग आउटसाइड द सर्कल। अगर अपने को कोई बाहरी पॉइंट से सर्कल पर टेंजेंट ड्रॉ करना है ना, कोई भी आउटसाइड पॉइंट से अगर अपने को टेंजेंट ड्रॉ करना है, जैसे कि पॉइंट पी जो है वो सर्कल के बाहर है, यहां से अगर अपने को टेंजेंट ड्रॉप करना है तो अपन दो टेंजेंट बना सकते हैं, पहला टेंजेंट और ये दूसरा टेंजेंट आपके सामने। इन दोनों टेंजेंट की इक्वेशन अगर आपको लिखनी है तो उसका एक सिंपल सा तरीका होता है कि आप स्लोप को एम मान लो, लाइन की इक्वेशन लिखे y माइनस y1 इज इक्वल टू एम टाइम्स x माइनस x1 लिखा आपने, देन सिंपली अप्लाई द कंडीशन ऑफ टेंजेंसी, अप्लाई डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर इज इक्वल टू रेडियस। लाइन की इक्वेशन में आप क्या करिए, सेंटर तो पता ही रहेगा आपको, सर्कल की इक्वेशन पता है, बस बाहरी पॉइंट से आपको टेंजेंट लिखना है, तो सेंटर से टेंजेंट की इक्वेशन पर जो डिस्टेंस आएगा वो रेडियस के बराबर कर दीजिए। आपके सामने इक्वेशन है, सेंटर गिवन, सर्कल गिवन है, तो डेफिनेटली इसका सेंटर आ जाएगा, इसका रेडियस भी आ जाएगा 4 करके देखिए, बिल्कुल सेंटर आ गया, रेडियस आ गया, एक्सटर्नल पॉइंट है अपने पास 7.4। यहां से अगर आपको टेंजेंट की इक्वेशन निकालनी है तो आप एक पॉइंट से पहली बात तो दो टेंजेंट डाल सकते हैं, ऊपर वाला और नीचे वाला, बट आप फिक्र मत करो, आप m का वैल्यूज मान लीजिए स्लोप का, आपको डेफिनेटली m के दो वैल्यूज मिल जाएंगे एंड में। अगर आपको बाय चांस दो वैल्यूज नहीं मिलते हैं तो आप समझ जाना कि एक वैल्यू m का इन्फिनिटी होगा और दूसरा वाला तो आपको मिल ही जाएगा, ठीक है। कई बार होता है कि आपको एक ही वैल्यू मिलेगा तो आपको बस ये समझना है कि दूसरा वैल्यू इन्फिनिटी होगा, सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने टेंजेंट की इक्वेशन लिखी, सेंटर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस 4 लगाया, जब मैंने सॉल्व करा तो m का एक ही वैल्यू आया 5/12, तो मैं समझ गया कि दूसरा वैल्यू इन्फिनिटी रहा होगा, ठीक है। अच्छा, लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट, अगर अपने पास पॉइंट P है x1, y1, अगर मैं इस सर्कल पर, एक्सटर्नल पॉइंट गिवन है, सर्कल की इक्वेशन गिवन है, टेंजेंट डालना है, तो आप क्या कर दीजिए, रूट s1 जो होता है वो लेंथ ऑफ टेंजेंट होता है, मतलब आपने पॉइंट x1, y1 को उठाकर सर्कल पर डाल दिया तो आपको क्या मिल जाएगा, ऐसा x1² + y1² + 2gx1 + 2fy1 + c, ये कुछ नंबर आएगा है ना, कुछ न्यूमेरिकल वैल्यू आएगी, उसका अंडर रूट ले लो आप, जैसे अंडर रूट लिया आपको मिल जाएगा लेंथ ऑफ टेंजेंट। इसको अपन s1 भी कहते हैं, s1 मतलब क्या हो गया कि आपने पॉइंट को उठाकर जब सर्कल पर रखा तो जो नंबर आएगा उसको अपन s1 भी कहते हैं, और उसका अंडर रूट लेने पर इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आ जाएगी, ठीक है। अच्छा लेंथ ऑफ टेंजेंट आ जाएगी ना। अच्छा, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट व्हेन द स्लोप ऑफ टेंजेंट इज गिवन, मान लीजिए आपको बोला गया है कि कोई लाइन है उसका स्लोप गिवन है, अभी तक अपने को क्या दिया जा रहा था बच्चों, एक पॉइंट दिया जा रहा था, स्लोप नहीं दिया था, अब आपको पॉइंट नहीं दिया है, स्लोप दे दिया है, कोई बात नहीं, आप क्या करिए, मान लीजिए स्लोप आपको 2 दे रखा है तो लाइन की इक्वेशन क्या हो जाएगी, y इज इक्वल टू स्लोप इंटू x प्लस y इंटरसेप्ट, उसको आप सी मान लीजिए, देन अगेन अप्लाई कंडीशन ऑफ टेंजेंसी, जस्ट अप्लाई डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर इज इक्वल टू रेडियस। आप ऐसा अप्लाई करेंगे तो अपना जो अननोन है सी वो एक बार में आ जाएगा, जैसे कि यहां पर आपको दिया है फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, सो आप पॉज करके सॉल्व कर लीजिए इसको आप आराम से, मेरे ख्याल से आपने किया होगा, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द सर्कल विच इज परपेंडिकुलर टू द लाइन दिस, एक ऐसा टेंजेंट है बेटे जो कि इस लाइन के परपेंडिकुलर है, तो इस लाइन के परपेंडिकुलर कोई भी लाइन, इसका स्लोप कितना है, इस लाइन का स्लोप है -1/2, वो मैं आपको निकालना सिखा चुका हूं, तो परपेंडिकुलर लाइन जो भी होगी इसका स्लोप कितना होगा 2, तो 2 स्लोप की लाइन इस सर्कल पर टेंजेंट बनना चाहती है, तो 2 स्लोप की लाइन जो होगी वो दो दो होगी, है ना, दोनों पैरेलल होगी, इसका भी स्लोप 2 होगा, इसका भी स्लोप 2 होगा,
ऑब्वियसली दोनों इस पे टेंजेंट रहेगी। तो हम लोग क्या करेंगे, सिंपली सेंटर अपने को पता है, सेंटर से लाइन का डिस्टेंस जो होगा वो रेडियस के बराबर इक्वेट करने पर अपने को सी का वैल्यू मिल जाएगा। जाहिर सी बात है, दो सी की वैल्यू मिलेगी, एक सी की वैल्यू आपको ऊपर वाली लाइन देगी, एक सी की वैल्यू नीचे वाली लाइन देगी, क्योंकि एक पर्टिकुलर स्लोप की दो लाइन बना सक दो टेंजेंट बनाई जा सकती है सर्कल पे, और दोनों टेंजेंट डायमेट्रिकल एंड पॉइंट्स पर बनेंगे। ये पॉइंट पी और ये पॉइंट क्यू को अपन मान लेते हैं पॉइंट ऑफ टेंजेंसी, तो ये पी और क्यू डायमेट्रिकल अपोजिट पॉइंट है। ओके, चलिए नेक्स्ट लेक्चर में अपन पढ़ेंगे लोकस ऑफ ए पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ परपेंडिकुलर टेंजेंट्स।